हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला कि मैम रीडिंग बहुत छोटी होती है, ड्यूरेशन थोड़ी सी और बढ़ाइए और कार्ड्स ड्रॉ करिए। तो इस बारे हम थोड़े से और कार्ड्स निकालेंगे क्लैरिफिकेशन के तौर पे एंड अदरवाइज ऑल्सो। जनरल रीडिंग है, करियर पे फोकस होगा, मैरिज पे होगा, हेल्थ पे होगा एंड मनी पे होगा। ये रीडिंग है 6 जून से 15 जून तक के लिए। ओके आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, जनरल मैसेजेस फॉर टॉरस 6 to 15 जून। यूनिवर्स प्लीज बताइए। देखिए, पहले मैं 3 कार्ड्स निकालती थी, अब मैं 6 कार्ड्स निकाल रही हूं। ठीक है। ओके, फाइव नंबर है हमारे पास, फाइव ऑफ कॉइन्स, फाइव ऑफ कप्स। फाइव नंबर काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है टॉरस आपके लिए। मे बी आपका 5th को बर्थडे आता हो या 23rd को आता हो, 2 + 3 = 14, 1 + 4, या फिर 5 नंबर आपको बहुत बारी दिख सकता है नेक्स्ट 10 डेज में। 555, 555, 4 × 5, 5 का मतलब होता है चेंज। नेक्स्ट 10 डेज में डेफिनेटली काफी मेजर चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नहीं, काफी सारे चेंजेस आएंगे, पैसे को लेकर भी एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर भी काफी चेंजेस आ सकते हैं। अब देखिए, जहां तक पैसे की बात है, 3 ऑफ कॉइन्स है, 5 ऑफ कॉइन्स है। पैसे को लेकर थोड़ा सा नुकसान हो सकता है यहाँ पे। थोड़े से आइसोलेशन में जा सकते हैं आप। नुकसान हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि मैं उतना नहीं कमा रहा जितना मेरे आसपास के लोग कमा रहे हैं, तो बेटर है कि अभी घर पे बैठो, क्योंकि बाहर जाओगे तो खर्चा होगा। तो इसलिए मैं अभी बाहर ना जाऊं, दोस्तों से ना मिलूं तो बेहतर है, क्योंकि बाकी लोगों को पता भी लग जाएगा हाउ मच आई एम अर्निंग एंड व्हाट इज माय स्पेंडिंग कैपेसिटी एंड ऑल दैट। तो आई थिंक आप उस वजह से बाहर नहीं जा रहे हैं, थोड़ा आइसोलेट कर रहे हैं अपने आप को नेक्स्ट 10 डेज में, क्योंकि आप फाइनेंशियली थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। उसके साथ साथ मुझे, क्योंकि 3 ऑफ कॉइन्स है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप साइमल्टेनियसली यू आर वर्किंग ऑन योर टैलेंट। ठीक है, बाहर जाके पैसा वेस्ट नहीं करना, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो रही है फाइनेंशियल, बट आप ऐसा नहीं है कि वो इनसिक्योरिटी को ओवर पार कर रहे हैं, करने दे रहे हैं अपने ऊपर। आप अपने टैलेंट्स पे वर्क कर रहे हैं, अपने स्किल पे वर्क कर रहे हैं। मे बी यू आर शोइंग ऑफ योर टैलेंट थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू सम चैनल, और मे बी कोई आप का कुछ टारगेट अचीव करना है, शायद आपको ऑफिस में टारगेट हो गया, या कोई असाइनमेंट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, कोई डील हो गई, क्लाइंट हो गया, बट यू आर शोइंग ऑफ एंड यू आर लेटिंग अदर पीपल नो दैट हे लिसन, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस एंड आई विल डू दिस। तो नेक्स्ट 10 डेज में मे बी आप लोगों के संग बाहर हैंग आउट करने नहीं जा रहे हैं, अननेसेसरी का खर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि पैसा कम है, बट साइमल्टेनियसली आप अपने आप आपकी अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हो कि मैं अभी गायब नहीं हुआ हूं। और उस प्रेजेंस के थ्रू, सोशल मीडिया या ऑफिस या जिस भी चीज के थ्रू, आपको उसमें ग्रोथ मिल सकती है। आगे जाके पोटेंशियल है कि जो आपने ये साइड बिजनेस या पार्ट टाइम जॉब या स्किल या क्या कहते हैं, आपका टैलेंट है, इसके थ्रू आप ग्रो कर सकते हैं एंड आपको पैसा मिल सकता है आगे जाके, अगर आप अभी उस पर टाइम लगाना स्टार्ट करें, अभी उस पर मेहनत लगाना स्टार्ट करें। तो देखिए, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ, हमारे पास ना पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज्यादा है। आपकी भी है, 5 ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ कॉइन्स आपकी ही एनर्जी थी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, बट हमारे पास पाइसिस, कैंसर, वो हमारे पास 10 ऑफ कॉइन्स भी है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के हम एक्चुअली मिक्स्ड है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है। 3 कार्ड उसके हैं, 3 कार्ड जिसके हैं। अब देखिए, 9 ऑफ कप्स है आपकी मैरिज में, मुझे ऐसा लग रहा है विश फुलफिलमेंट दिख रही है। 10 ऑफ कॉइन्स भी है, जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो सकती है, कोई शादी के लिए मिल सकता है, शादी की बात स्टार्ट हो सकती है। जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है उनकी विश पूरी हो रही है, चाहे वो आपने विश करी थी अपने पार्टनर के साथ, मे बी फैमिली प्लानिंग की विश करी थी, या अपने पार्टनर के साथ आपकी शादी हो जाए, अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है एंड आगे जाके शादी हो जाए, वो विश पूरी हो सकती है।
बट जो भी आपने विश करी थी वो पूरी हो रही है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर मैरिज एंड योर इमोशनल नीड्स. आपकी इमोशनल नीड्स फुलफिल होती दिख रही हैं आपके पार्टनर के साथ, उनकी नीड्स फिल हो रही है आपसे एंड आपकी नीड्स फुल हो रही हैं उनसे. ठीक है, तो वो हमें नाइन ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है. टेन ऑफ कॉइन्स मैंने आपको बताया शादी हो सकती है, पैसे आते दिख रहे हैं. हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज में ना सही, बट थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, बट पैसे आते दिख रहे हैं किसी और के थ्रू, किसी और की इनहेरिटेंस आपको मिल रही है, कोई और पैसे छोड़ के जा रहा है वो आपको मिल रहे हैं, किसी की पेंशन आपको मिल रही है, तो किसी और की मेहनत का पैसा जो है वो आपको मिल सकता है नेक्स्ट 10 डेज में, या थोड़ा सा और उसके बाद, मे बी टुवर्ड्स 20th और 25th और टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून, बट फ्री फंड का पैसा बोलते हैं ना, वो मिल सकता है आपको आगे जाके. When it comes to your career, money and marriage मैंने आपको बताया. When it comes to your career, हमारे पास है दो hanged man, five of cups. हो सकता है कोई किसी चीज का वेट कर रहे हैं, प्रमोशन का वेट, इंक्रीमेंट का वेट, डिस्कशन का वेट, पैसे का वेट, और आई थिंक मे बी कोई इंटरव्यू दिया है तो उस इंटरव्यू का वेट हो रहा है, बट hanged man है यहाँ पे, वेटिंग एनर्जी दिख रही है. और वेटिंग एनर्जी भी ऐसी है कि आपने किसी चीज में बहुत एफर्ट डाला है, बहुत अपनी एनर्जी, एफर्ट, टाइम लगाया है, और आप वेट कर रहे हो रिटर्न का, कि यहां से मुझे कब चीज वापस मिलेगी, मुझे रिटर्न कब मिलेगा. तो मे बी आपने किसी अपने ऑफिस में या करियर में कहीं पे आपने टाइम, एनर्जी बहुत इन्वेस्ट करा है, मनी भी बहुत इन्वेस्ट करा है, मे बी इट्स अ बिजनेस, एंड आप वेट कर रहे हो रिटर्न कब आएगा. स्टॉक्स भी हो सकते हैं, स्टॉक्स की बात भी हो सकती है, एंड उसकी वेटिंग एनर्जी चल रही है. एंड मुझे ना थोड़ा बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, फाइव ऑफ कप्स है यहाँ पे, अगेन पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ना गिल्ट है किसी चीज का, गिल्ट भी है एंड रिग्रेट भी है. मे बी कोई डिसीजन आपको जल्दी ले लेना चाहिए था, टाइम रहते ले लेना चाहिए था, आपने नहीं लिया. मे बी ये जॉब छोड़कर मूव आउट करने का, नई जॉब का कोई और ऑफर आया था, आपने रिग्रेट कर आपने रिजेक्ट कर दिया वो ऑफर, या फिर कोई और जॉब थी, या कोई कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ गिल्ट में हो आप कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने गलत कर दिया. तो वो नेक्स्ट 10 डेज में वो गिल्ट, सेल्फ पिटी, एक रिग्रेट, पछतावा जो है वो आपको थोड़ा सा खा सकता है अंदर से, आपको थोड़ा सा ऐसा फील करा सकता है कि ये मैंने कैसा चांस हाथ से जा लेने दिया. हो सकता है वो आपके करियर से रिलेटेड हो, मुझे वो आपके करियर से रिलेटेड ही लग रहा है कि कोई और जॉब ऑफर या कोई पार्टनरशिप या कोई बहुत अच्छी डील थी और आपने वो जा लेने दी, एंड नाउ यू आर लाइक कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने कैसा डिसीजन लिया है. तो वो रिग्रेट, सेल्फ पिटी वाली चीज दिख रही है. ऑल्सो मुझे हैंग्ड मैन में ना यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है. मे बी आपके दिमाग ने आपको ओवर पावर कर रखा है, ओवर थिंक करके, एंड आप कुछ करना चाहते हैं बट आपका माइंड आपको कह रहा है कि अरे यू नो लाइक पागल होगा, ये करोगे लोग क्या कहेंगे, तो वैसी वाली चीज है. थोड़ा सा जजमेंट को लेकर शायद आपको डर लग रहा है, तो आप वेट कर रहे हो कि कब सिचुएशन आपके हिसाब से बने एंड यू नो लाइक बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन हो, तब आप वो आगे बढ़ो, एक स्टेप आगे लो. परफेक्ट सिचुएशन कभी नहीं होगी, लेट मी टेल यू दैट, लेट मी ब्रेक इट टू यू, परफेक्ट सिचुएशन कभी नहीं होगी. तो जो आपको करना है अभी करना है नेक्स्ट 10 डेज में. अगर आप वेट करते रह जाएंगे, करते रह जाएंगे, करते रह जाएंगे, तो उसके बाद आप रिग्रेट करेंगे कि ये मैंने डिसीजन जल्दी क्यों नहीं लिया, मैं क्यों इस चीज पे सोचता रह गया, मैं क्यों वेट करता रह गया. ठीक है, तो वो वाली थोड़ी सी मुझे एनर्जी आ रही है. जहां तक बात है हेल्थ की, ओवरथिंकिंग तो मुझे दिख रही है डेफिनेटली यहाँ पे. वैसे भी पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज्यादा है, ओवरथिंकिंग दिख रही है. बैक पेन हो सकता है आप में से कई लोगों को, कोल्ड हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज में, कोल्ड हो या फीवर हो या बैक पेन हो, थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा. अब हम देखेंगे नॉर्मल जनरल मैसेजेस क्या है फॉर टॉरस फॉर नेक्स्ट 10 डेज, टी लीफ टैरो डेक से.
यूनिवर्स जनरल मैसेजेस फॉर टॉरस, रैंडम जनरल मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर नेक्स्ट 10 डेज, 6 to 15 जून, जनरल मैसेजेस फॉर टॉरस। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस। बेयर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, 5 of coins, फाइनेंशियल पिंच हो सकता है, नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो सकती है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा गाइज। आप बिना परवाह किए कहीं पे भी पैसा लगा दो, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दो, कुछ भी करो, रिस्क ले लो कोई भी। एक होता है कैलकुलेटिव रिस्क, एक होता है बिना कुछ सोचे समझे रिस्क ले लिया। नहीं, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप बिना कुछ सोचे समझे डिसीजन ले लो, पैसा इन्वेस्ट कर दो, नहीं, ये आप एटलीस्ट नेक्स्ट 10 डेज में नहीं कर सकते हो। नुकसान हो जाएगा, फाइनेंशियल पिंच तभी है शायद, क्योंकि आप कुछ ज्यादा ही बॉन्ड बन रहे हैं शायद नेक्स्ट 10 डेज में। यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के लिए मैसेजेस, रैंडम मैसेजेस नेक्स्ट 10 डेज, 6 to 15 जून। नेक्स्ट, एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू यू। नेक्स्ट 10 डेज में हो सकता है आपकी जो प्रायोरिटी हो वो पैसा भी हो बट फैमिली भी हो। यहाँ पे फाइनेंशियल सॉरी इमोशनल नीड फुलफिल हो रही है, आपकी विश पूरी हो रही है। हो सकता है आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो फैमिली हो वो एक सिक्योर फैमिली रखे, आप उसको इमोशनली स्टेबल रखें, उस फैमिली को सिक्योर रखें, एक कहते ना एक बॉन्डिंग और प्यार बरकरार रहे, तो वो चीज आपके लिए बहुत जरूरी है और वो चीज मुझे दिख भी रही है। इमोशनली इमोशनल नीड्स फुलफिल होती दिख रही है, तो इमोशनली सिक्योर एंड लविंग फैमिली जो है वो आपको मिलती दिख रही है अगर आप ओवर थिंकिंग छोड़ दें तो। ओके, ऑल्सो टॉरस मैं कहना चाहूंगी कि पर्सनल रीडिंग्स के लिए अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो आप यहाँ पे कहीं पे नंबर आ रहा होगा, वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए। या फिर अगर आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, मैरिज प्रॉब्लम्स है, इफ यू वांट टू फाइंड द लव ऑफ योर लाइफ, इफ यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स, थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया, वेट गेन हो गया, एंड यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दोज इमोशनल प्रॉब्लम्स या फिर फिजिकल प्रॉब्लम्स, तो क्रिस्टल्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स होते हैं, रेकी सेशंस होते हैं, ऑरा स्कैनिंग होती है, ऑरा क्लेंजिंग होती है, इफ यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, कॉर्ड कटिंग भी होती है, तो आप इन सर्विसेज के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, देन प्रॉब्ली वील फिगर आउट कि आपको किस सर्विस की जरूरत है। मे बी इफ लाइक इफ यू आर इन नीड ऑफ टैरो, या फिर सी टैरो से प्रॉब्लम का पता लगता है कि क्या आने वाला है, रेकी एंड क्रिस्टल से सोल्यूशन मिलते हैं, तो हम उसी हिसाब से फिगर आउट कर सकते हैं कि आपको अभी क्या चीज, किस चीज की नीड है। ठीक है, तो आप इन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे अगर आपको इनमें से कोई भी सर्विस की जरूरत लग रही है तो। टॉरस के लिए मैसेजेस, रैंडम जनरल मैसेजेस, यूनिवर्स प्लीज बताइए। आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, कोई समझदार इंसान है। देखिए बहुत सिंपल सा मैसेज है, कोई समझदार इंसान है आपके आसपास, उससे आपको एक बहुत सूझी बूझी समझी हुई बहुत ही अच्छी एडवाइस मिल सकती है। ओपन रहिएगा, उस एडवाइस को सुनिएगा, ये मत करिएगा कि हाँ ठीक है तुम बोलते रहो, जो मैं जो बोलना है मैं तो अपनी ही करूंगा। थोड़ी सी उस एडवाइस को सुनिएगा, मानिएगा उस एडवाइस को। वो कोई टैरो रीडिंग के थ्रू भी आपको एडवाइस मिल सकती है, या फिर आपको कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, उसके थ्रू भी आपको एडवाइस मिल सकती है। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या मैसेजेस हैं टॉरस के लिए मैसेजेस, रैंडम जनरल मैसेजेस नेक्स्ट 10 डेज, 6 to 15। यंगर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन, कोई आपसे छोटा आदमी हो सकता है, हो सकता है इनके बाल बड़े हों, या थोड़ा सा उतरा हुआ चेहरा लग रहा है मुझे इनका, लाइक थोड़े से वीक कमजोर दिखने में एटलीस्ट लगते हैं ये फिजिकली। बट इनके साथ या तो आप कोई क्लाइंट है आपके, कोई प्रोजेक्ट में डीलिंग कर रहे हैं, या फिर किसी रिलेशनशिप में है, भाई फ्रेंड पार्टनर कोई भी और इंसान हो सकता है ये। बट ये यंगर मैन काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एटलीस्ट नेक्स्ट 10 डेज में, इनसे रिलेटेड डीलिंग्स और रिलेशनशिप काफी इंपॉर्टेंट मोड़ ला सकती हैं, टर्न ऑफ इवेंट्स जो हो सकता है इनके साथ वो काफी इंपॉर्टेंट हो आपकी लाइफ में।
चार्म्स इस बारी के लिए हम छोड़ देंगे, इस रीडिंग के लिए देखते हैं ये रीडिंग जो मैंने नए कार्ड्स निकालने स्टार्ट करे हैं, ज्यादा कार्ड्स निकालने स्टार्ट करे हैं, वो कैसी जा रही है बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। बट यस, मोर ऑर लेस यही मैसेजेस थे मेरे पास यूनिवर्स की तरफ से टॉरस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।